हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज है नेक्स्ट डे, हम लोग कल आ गए थे। आज का मौसम बोलो ना, बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखो, धूप नहीं निकली है और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी मम्मी गई हुई है खेत में घास पटाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हरियाली हरियाली रहती है और फिर गाय भैंस के लिए खाने को भी डालना पड़ता है। तो मम्मी गई हुई है, तीनों मम्मियाँ गई हुई हैं खेत में घास पटाने के लिए। सो मैं भी वहीं जा रही हूँ और अभी जस्ट उठी, चाय पी के आई हूँ और रुद्रांश को मैं बैठाल के आई हूँ। प्रिंस भैया है ना, वो कोचिंग पढ़ाते हैं बच्चों को, ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन देते हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा होमवर्क दे के वहीं पर बैठाल के आई हूँ, जिससे कि वो एक जगह बैठा रहे। कोई बच्चे बच्चे तो है नहीं यहाँ, कोई है नहीं, मम्मी और हैं। सो वो खेत में आ गई है, मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं भी इनके पीछे पीछे आ गई हूँ। ये देखो वहाँ पे खेत में वो दिख रही है, वहाँ पे घास फटा रही है। सो चलिए वहीं चलते हैं। आज मनीष भी आ रहा है और बाकी और भी लोग हैं, वो भी आएंगे। एक मिनट, मैं नीचे उतर जाती हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा घास है ना, तो डर लग रहा है घास में ऊपर से जाने में। ये देखो पूरा घास ही घास है। और ये लगी हुई है मूँगफली खेत में, इसमें देखो फूल आने लग गया है खेत मूंगफली में। और इसमें भी बहुत ज़्यादा घास हो रहा था, तो मम्मी और ने कुछ तो नींद लिया, मतलब घास घास निकाल दिया है। सो चलिए चलते हैं मम्मी के पास। मैं कहाँ करती हूँ ते अमन तो उठाई, वो तो सो रहा है अभी, पापा की झाड़ू लग रही है कमरे में। और ये है कौन सा घास, ये तो बेल जैसी है। अरे ये तो देखना पूरी यही फैली है। अब देखना, मैं सोच रही थी एक एक दो तो पत्ती लगी है, वो तो पूरी बेल ही आया। आज ब्लू है, पानी पानी पानी, पानी। ये देखो कैसे नहा रहा है होदी में। स्विमिंग स्विमिंग कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। चली गई तो पूरी चली गई। मनीष आ गया, मनीष। हेलो भाई, हेलो। अच्छा भाई, देखो भाई, चला अपन चला, मैं चलना। चाबी चाबी तो है, तो अपन चलना। अभी चाबी है मेरे पास, भी चाबी है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ कहाँ तक गए थे? अब क्या बोलते, कहाँ तक गए थे? केरल के पास तक, वहाँ जा घर बनाना, वो नदी खाली थी, वहाँ से एक यूटर्न मिलता, वही से आ गए। को सीना लगा दो ना, तो बाद में क्या होता है, क्या बोलते इसको? नेक्स्ट वीक घोसला। क्या हुआ बेटू? मैं अभी वहाँ झूले पे झूला झूले के लिए बैठी हुई थी, मुझे जगह 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 मच्छर ने काट लिया है। सो अब ये है मेरे हाथ में प्याज, जिसका रस मैं लगा रही हूँ, क्योंकि प्याज का रस लगाने से ना खुजली नहीं होती है। सो यहाँ पे मुझे बैक साइड में ना काट लिया है मच्छर ने, इसमें प्याज का रस लगा रही हूँ, खुजली नहीं होती है। यहाँ पे भी काट गया है, जहाँ जहाँ काट गया मैं सारी जगह ना मच्छर ये लगा लूँगी, सो खुजली नहीं होगी। एंड रुद्रांश यहाँ पे सो रहा है, उसको मैंने पतली सी चुन्नी से ढक दिया है, जिससे कि उसको मच्छर नहीं काटेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना गर्मी भी हो रही है एंड धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है। और ये देखो हवा भी चल रही है साथ में। मम्मी ने मुझे बोला है गिलकी तोड़ने को, सो एकदम फ्रेश फ्रेश गिलकी लगी हुई है यहाँ पे। ये देखो, ये तो बहुत छोटी सी है एकदम,
और अभी मैं यहाँ से निकालूँगी गिलकी और फिर हम बनाएंगे उसको आज। ये देखो यहाँ लगी हुई है एक, ऊपर इतनी हाइट पे लगी हुई है। अभी मैं इसको तोड़ूंगी नीचे करके, मैं पहले देख लेती हूँ कहाँ कहाँ लगी हुई है, फिर उसके बाद मिलती हूँ। मम्मी बस दो ही हैं, दो ही है। आलू डाल लेंगे, कड़ी भी रखी है ना, है आलू डाल के अच्छी लगती है। मैं आलू डाल के ही बनाती हूँ, मैं बना दे रही। सो हम बनाएंगे दो गिलकी आलू डाल के, इसमें दो आलू डाल जाएंगे, दो गिलकी हैं हो जाएगी। देखो कान पे भी बना रहा है, कहीं तो काट रहा है, काट गया मुझे एक जगह तो। काट दो, इतने ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं ना, मच्छरों की कोई लिमिट नहीं है। मारती है, मार रही है। लग गई, कितना लग गया, एक लग गई। ये देखो एक टिफिन में निकल गया, एक इसमें निकलेगा, अभी एक इसमें निकलेगा, है ना। गुड, आग जलानी है ना, से जलानी है लकड़ी का, अब लकड़ी का है, अब वो तो झाड़ू है, झाड़ू। अरे भाई जल गई ना।